सब्सक्राइब कीजिए अनविदार के चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन की खबरें सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविदार के में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपको देश और दुनिया की बहुत सारी ताजा खबरें और बहुत जरूरी खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे जेपे की जो ताजा न्यूज है उस पर। दोस्तों आपने देखा होगा दो तीन दिन पहले से काफी लोगों ने जेपे पर टीथर को लेकर वीडियो बनाए थे कि आप इस तरीके से आप इतना परसेंट फायदा ले सकते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन टीथर ने आज जो पेयरिंग थी टीथर टू बिटकॉइन और बिटकॉइन टू टीथर वो चालू की है। और आपको पता होगा कि टीथर के रेट जो दिए हैं जेपे ने वो दिए हैं 85 रुपीज। तो अगर आप जो अभी बिटकॉइन के रेट चल रहे हैं, अभी जो रेट देखा है करीबन 5,52,000, अगर उसको आप डिवाइड करते हैं तो जो टीथर आते हैं अगर आप उसको आप ले जाते हैं बाइनेंस पर या किसी और क्रिप्टो एक्सचेंज पर तो आपको कोई फायदा नहीं होता है। आपको सेम वही बिटकॉइन मिलता है, किसी एक्सचेंज पर पॉइंटों में थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा या किसी एक्सचेंज में आपको पॉइंटों में थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। तो दोस्तों जेपे ने बहुत ही स्मार्टली इसीलिए इसको पहले लॉन्च नहीं किया था टीथर को, और आज उन्होंने पूरा 3 दिन उन्होंने लगाया मीटिंग में और पूरी तरीके से डिसाइड करके उसका 85 रुपीज रखा है टीथर का रेट, जबकि वो डॉलर के बराबर होता है। आपको पता ही होगा डॉलर जो है वो अभी करीबन 69 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो ये जेपे की न्यूज़ थी। तो कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उससे टीथर को कन्वर्ट करके और अगर आप किसी एक्सचेंज पे ले जाएंगे और उससे बिटकॉइन बनाने की कोशिश करके फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों ये जेपे की तरफ से न्यूज़ थी। और दूसरी बहुत ज़रूरी न्यूज़ जो जेपे की तरफ से आ रही है वो मैं आपको बता दूँ, वो न्यूज़ है बीचेन की तरफ से। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से बीचेन जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया है जेपे से। उसके पीछे रीज़न क्या है ये मैं आपको आप रिवील करूँगा। दोस्तों कारण क्या है कि आपको बताऊं कि वीचेन की जो है वो मेननेट अभी लॉन्च होने वाली है और वीचेन का जो है वो स्वैप होने वाला है नए क्वाइन में जिसका नाम है बैट टोकन। दोस्तों आप जाके एक बार देख सकते हैं, इस समय वीचेन जो है वो 21वें नंबर पे चल रहा है क्वाइन मार्केट कैप में, और जेपे जो है वो तैयार नहीं है उसके स्वैप को और मेननेट को एक्सेप्ट करने के लिए। मेन चीज जो है वो दिक्कत यही है, इसीलिए जेपे ने उसको डीलिस्ट करने का एक डिसीजन लिया है। दोस्तों ये तो न्यूज थी जेपे की तरफ से, और मैं अब अगली न्यूज पे चलता हूँ। दोस्तों अगली खबर लेता हूँ मैं ट्रोन की तरफ से, और आपको बता दूं कि ट्रोन की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। ट्रोन ने अभी जो पार्टनरशिप की है एक चाइना की बहुत बड़ी जो टॉयलेट के बहुत सारे इक्विपमेंट तैयार करती है और एक स्मार्ट टॉयलेट तैयार करती है, उसका नाम है मशरूम। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कंपनी है बहुत फेमस है चाइना में स्मार्ट टॉयलेट बनाने के लिए, क्योंकि इस स्मार्ट टॉयलेट में ना तो वाटर की जरूरत पड़ती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ये आने वाले टाइम में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा हिट होने वाला है। तो ट्रोन ने बहुत समझदारी करके उसके साथ पार्टनरशिप की है मशरूम के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ट्रोन जो है वो आने वाले टाइम में जरूर ही बहुत ही आगे बढ़ेगा। दोस्तों अगली खबर लेता हूं मैं इथेरियम क्लासिक की तरफ से, और बहुत सारे पहले से खबर आ रही है कि इथेरियम क्लासिक जो है वो क्वाइन बेस पर लिस्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इथेरियम क्लासिक जो है वो क्वाइन बेस पर अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, उसके बीटा वर्जन पर अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। और एक खुशी की बात यह है कि ये क्वाइन जो है वो बहुत ही जल्दी एक और एक्सचेंज बड़े एक्सचेंज पर आने वाला है जिसका नाम है रोबिनहुड। दोस्तों बताऊं रोबिनहुड भी जो है वो अमेरिकन बेस एक्सचेंज है और इसमें भी लोग बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग और बाइंग और सेलिंग और ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों क्वाइन बेस के बारे में एक मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्वाइन बेस के अब तक 22 मिलियन वॉलेट जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं, और दूसरा इसमें करीबन 5.8 मिलियन एक्टिव बिटकॉइन के यूजर्स में काम कर रहे हैं, और क्वाइन बेस में जो टोटल यूजर हैं वो करीबन है
14 मिलियन मतलब 14 मिलियन इसमें यूजर्स हैं क्वाइन बेस में। तो ये बहुत बड़ी एक्सचेंज है अमेरिका की, और अमेरिकन जो है, जो टोटल अमेरिकन है, उनमें से करीबन 5% लोग जो है वो क्वाइन बेस को यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक खबर बहुत अच्छी है कि रोबिनहुड और क्वाइन बेस पर अगर ये इथेरियम क्लासिक आ जाता है तो आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि इथेरियम क्लासिक जरूर आगे बढ़ेगा और अच्छे टारगेट पर पहुंचेगा। दोस्तों अगली धमाकेदार खबर भी इथेरियम क्लासिक की तरफ से है, और आपको बताऊं कि एक कंपनी है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करती है और बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट। और ये ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट में अब सेकेंड पोजिशन पर आ गई है होल्डिंग में बिटकॉइन के बाद। तो मतलब ये जो है बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पर उसकी होल्डिंग में है, मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इस समय बिटकॉइन में है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नाम आता आ रहा है वो आ रहा है इथेरियम क्लासिक का। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो खबरें आ रही हैं इथेरियम क्लासिक के लिए बहुत अच्छी आ रही हैं, और उम्मीद करता हूं कि इथेरियम क्लासिक और आगे बढ़े। दोस्तों अगली खबर जो है वो बहुत धमाकेदार है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अपनी खबरों में कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्दी ही सोलर पावर्ड माइनिंग फार्म बनने वाला है। दोस्तों आपको ये खबर अभी दोबारा फ्लैश हुई है न्यूज पोर्टल पर, और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी बिटकॉइन फार्म वहाँ चालू हो जाएगा, जो वहाँ का कोल टाउन है उसमें। और आपको बताऊं कि ये जो कोल टाउन है उसका नाम है कॉलीज, और ये जो है पर्थ से केवल 200 किलोमीटर दूर है, जो वहाँ की राजधानी है। और माइनिंग फार्म लग रहा है, इसमें करीबन 4 मेगावाट पावर जो है वो लगेगी, और उसको गवर्नमेंट ने एक सस्ती रियायती दर पर प्रोवाइड किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। और जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि माइनिंग जो होगी वो करीबन 650 बिटकॉइन पर ईयर की माइनिंग होगी उस फार्म से, जिसकी आज के हिसाब से टोटल वैल्यू बनती है करीबन $6 मिलियन। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है, और आने वाले टाइम में उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से और भी अच्छी खबरें आपको मिलती रहे। और जिस तरीके का डर फंड लोगों में फैला हुआ है बिटकॉइन के लिए ETF के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये फंड जो है वो बहुत चंद दिनों का है और धीरे धीरे लोगों को निकल जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन ने धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है ब्रैन केली, और मैं आपको बताऊं कि ये ब्रैन केली ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, जैसा कि मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर आप ETF के डिले होने से डर रहे हैं और उस डर से अगर आप बिटकॉइन बेच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ब्रायन केली जो है वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और फाउंडर हैं, एक कंपनी है BKCM LCC, इस कंपनी के वे फाउंडर हैं। और आपको बताऊं कि टोटली उनका जो फोकस है वो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पर है, बहुत पहले से 2013 से, और ये पोर्टफोलियो मैनेजर भी रहे हैं BKMC डिजिटल एसेट फंड के। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द बिटकॉइन बिग बैंग, और इन्होंने इसमें बताया है कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड में किस तरीके से बिटकॉइन छा जाएगा और फिएट करेंसी खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये जो है को फाउंडर भी रहे हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है शेल्टर हार्बर कैपिटल LCC, उसके ये को फाउंडर रहे हैं। और दूसरी एक जानकारी और दूं इनके बारे में, वो ये है ये को फाउंडर और प्रेसिडेंट रहे हैं MKM Partners, एक कंपनी है उसमें, और ये एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म में भी काम करते रहे हैं। और आपको बताऊं कि ये जो है ETF की जो एडवाइजरी है उसमें भी ये मेंबर है। तो दोस्तों इनका ये जो कहना है ये बहुत वैल्यू रखता है लोगों को, और आपको समझना चाहिए। दोस्तों अगली खबर बहुत धमाकेदार है और आपको बहुत खुशी प्रदान कर सकती है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो सभी ने सुना होगा, और आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अजूरे। अब आप कहेंगे ये अजूरे क्या है, मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट ने इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करके एक अपना डैप प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम गवर्नेंस डैप रखा गया है। दोस्तों ये जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, आप इसमें देखिए कि इसको आप यूज करके
अपने जितने भी इंडस्ट्रियल या जितने भी कॉर्पोरेट तरीके के कुछ भी जो भी काम है, तो दोस्तों ये जो ब्लॉकचेन है और जो उन्होंने डेवलप की है, ये जो करेगी, अलाउ करेगी बिजनेस अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल जितने भी हैं उनको, और बहुत सारी चीजें इसमें और जोड़ी जाएंगी आने वाले टाइम में, और पूरी तरीके से ये डिसेंट्रलाइज रहेगा। और आपको बताऊं कि ये ना तो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करेगा, ना ही ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा। दोस्तों ये काम करेगा प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर। तो दोस्तों ये एक नया चीज निकाली है माइक्रोसॉफ्ट में, और आने वाले टाइम में जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी वेबसाइट पर, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से, तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि यहां आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अभी बिल्कुल फ्री में। और ये माइक्रोसॉफ्ट अजूरे के नाम से वेबसाइट है, इन्होंने यह पूरा दिया है, ये 12 मंथ के लिए बिल्कुल अभी फ्री सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ आपको 13,300 का क्रेडिट मिल रहा है, और यहाँ आपको ये 25 सर्विस जो है वो ऑलवेज फ्री मिलेंगी इनकी वेबसाइट पर। और आप यहाँ देखिए कि व्हाट कैन आई डू विद माय फी अकाउंट, अगर मैं फ्री अकाउंट यूज़ करता हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो भी इन्होंने लिखा हुआ है सारा। यहाँ आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ इन्होंने लिखा है कि क्या क्या प्रोडक्ट जो हैं वो फ्री हैं, तो वो सारा इन्होंने दिया हुआ है नीचे। आप यहाँ पूरा देख सकते हैं कि कितने आवर्स के लिए आप क्या क्या चीज़ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आने वाले टाइम में एक रिवलेशन लेकर आएगी। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ब्लॉकचेन की और किस तरीके से और जितने भी डैप से संबंधित इथेरियम की और एप्लीकेशन है उनको यूज़ किया जा रहा है, क्वाइन की ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा रहा है, और बहुत सारे और भी क्वाइन अपनी अपनी ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो थी बहुत अच्छी खबर थी, और आने वाले टाइम में मैं बताऊं इंडिया में भी जो खबर आ रही है वो ये है, आने वाले टाइम में इंडिया में भी जो चुनाव आयोग है वो चुनावों को ब्लॉकचेन पर आधारित करने की सोच रहा है। और बहुत जल्दी ही आपको खबर मिलेगी कि आप ब्लॉकचेन से ही चुनाव पूरा कंट्रोल किया जाएगा कहीं का भी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर ब्लॉकचेन हमारे वोटिंग सिस्टम में भी यूज होता है, क्योंकि वहां फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक नंबर होगा या आपका जैसे थंबप्रिंट है जो भी है, जिससे भी आप जाके अपनी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड में आप चेक कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाएगा और कोई भी गड़बड़ होने की संभावनाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों अब टाइम है आज के क्वेश्चन आवर का, और आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो से एक नया सिस्टम शुरू किया है कि हम हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट में, और एक विनर को चूज किया जाएगा, जो भी विनर होगा उसको 500 रुपए की क्रिप्टो करेंसी हर वीडियो में आपको मिलेगी। और वो अगर हमारा पेड ग्रुप का अगर मेंबर निकला, अगर वो पेड ग्रुप का है तो उसको मिलेगा उसका 5 गुना, और अगर हम कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहे हैं तो उसको मिलेगा, फिर कोई भी होगा, मतलब ये जरूरी नहीं कि टेलीग्राम ग्रुप का है, तो कोई भी बंदा होगा तो उसको मिलेगा उसका 10 गुना, मतलब 5,000। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये जरूरी नहीं 500 रुपए के ही रहेंगे, 500 रुपए से लेके 1,000 रुपए के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जो 500 रुपए की क्रिप्टो करेंसी के लिए है वो है कि आपने माइक टाइसन का नाम जरूर सुना होगा। माइक टाइसन जो है वो पूर्व हैवीवेट चैंपियन रहे हैं, और आपको ये बताना है कि क्या उनके बिटकॉइन एटीएम बर्न में कहीं लगे हैं या नहीं लगे हैं। आपको इसका आंसर देना है यस और नो में, और अगर आप यस में आंसर देते हैं तो आपको ये भी बताना है कि कितने एटीएम लगे हुए हैं। ये है आज का क्वेश्चन। तो आपको अगर आता है तो आप रिप्लाई करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं और गूगल करके रिप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो हमने कल वीडियो बनाया था और उसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है, तो उसका जो विनर हमने आज चूज किया है वो विनर आज निकले हैं मिस्टर अनिरुद्ध सिंह गोहिल। तो आपको बहुत बहुत मुबारक, 500 रुपए की क्रिप्टो करेंसी आपको मिल जाएगी। आप हमें हमारे टेलीग्राम जो सपोर्ट ग्रुप है उस पे जाके आप हमें अपना मैसेज कर दें, और अपना जो भी क्रिप्टो करेंसी आपको चाहिए जो जिस भी तरीके की वो आप हमें बता दें, और साथ में हमें आप अपना वॉलेट का एड्रेस भी दे दें तो हम आपको वो दे देंगे। तो ये आपको हर बार हर वीडियो में एक क्वेश्चन बीच में मिलेगा और आपको उसका आंसर देना है। 500 रुपए से 1,000 रुपए तक का ये क्वेश्चन होगा और आप इसको
छोटा सा आंसर देकर जीत सकते हैं। तो दोस्तों काफी कुछ न्यूज हुई और तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।